सब्सक्राइब कीजिए ब्यूटी सीक्रेट हिंदी यूट्यूब चैनल को और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए और पाइए सेहत और खूबसूरती से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, मैं नैना गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट हिंदी में। फ्रेंड्स, करी पत्ता में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं और करी पत्ता को मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है। करी पत्ता खाने को स्वादिष्ट बनाने में काम तो आता ही है और साथ ही साथ ये हमारे स्वास्थ्य और ब्यूटी के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, करी पत्ता में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और बीटा कैरोटीन होता है जो बालों को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के साथ ही बालों को पतला होने से भी रोकता है और ये बालों के रोम को नया जीवन प्रदान करता है। दोस्तों, जरूरत से ज़्यादा बालों में केमिकल का प्रयोग और प्रदूषण के कारण बालों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, लेकिन दोस्तों करी पत्ता में वो सारे तत्व मौजूद होते हैं जो बालों को और सर की स्कैल्प को स्वस्थ रखता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करी पत्ते से बने टॉनिक, मास्क एंड ऑयल बालों के लिए यूज़ के लिए बताएंगे, जिससे आपके बाल लंबे, घने, स्वस्थ और शाइनिंग हो जाएंगे। आपके बालों को देखकर सब यही कहेंगे कि काश ऐसे बाल हमारे हो जाएं। इसके लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और पाइए हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड। आइए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले टॉनिक के बारे में। आप करी पत्ता को हेयर टॉनिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप एक कटोरी करी पत्ता को एक लीटर पानी में इतना पकाएं कि इसका रंग हरा हो जाए। फिर आप इस पानी से सर में टॉनिक की तरह मालिश करें। यह प्रक्रिया आप नहाने से एक घंटा पहले करें। इसे आप हफ्ते में दो बार लगाएं तो दो हफ्ते में ही आपको फर्क नज़र आएगा कि आपके बाल लंबे और काले हो गए हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हेयर मास्क बनाने के बारे में। इसके लिए आप एक बाउल लें और उसमें करी पत्ता को डालें और थोड़े से मेथी के बीज और थोड़े से कलौंजी के बीज को लें और एक ब्लेंडर में डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। फिर आप अपने हेयर में अप्लाई करें, दो घंटे तक ऐसे ही लगा रहने दें। फिर आप अपने सर को धो लें। इससे भी आप हफ्ते में दो बार यूज़ कर सकते हैं। यह हेयर मास्क आपके बालों को काला, हेल्थी और चमकदार बनाएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हेयर ऑयल के बारे में। इसके लिए आपको चाहिए कि करी पत्ता को सुखा लें। फिर आप आधा कप नारियल के तेल या जैतून के तेल में सूखे हुए करी पत्ता को डालकर दो से तीन मिनट के लिए उबालें और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इससे अपने सर में मालिश करें। आप इस ऑयल से नाइट में मालिश करें और मॉर्निंग में सर धो लें किसी भी हर्बल शैम्पू से। यदि आप इसका नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो आपके बाल काफ़ी लंबे, शाइनिंग, घने और स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, आप इन तीनों नुस्खों में से कोई भी एक का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल प्लस द्वारा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। शायद उनको भी कोई बेनिफिट मिल जाए। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि इस हेयर ट्रीटमेंट से आपके बालों को क्या बेनिफिट मिला है। स्क्रीन पर दी गई वीडियो को भी देखें और बीच में दिए गए लोगों पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।